Assalamu alaikum. today is lecture number 23 of cs201 introduction to programming. i hope that everything went off all, all right. and i'm talking about your midterms. things should not have been too difficult. as i mentioned earlier, and as i keep repeating, it only comes with a lot of practice. you have to keep on writing code and making sure you understand what you write. ये भी इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको समझ भी आए आप क्या लिख रहे हैं और फिर स्पेसिफिक कोई अपने लिए प्रॉब्लम्स लें बुक के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और उनको भी एक्सरसाइज के तौर पे आप ट्रीट करें एंड बिकम प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ कोड आज हम जो टॉपिक एड्रेस करने जा रहे हैं वो है प्री का और हेडर फाइल्स का आज का हमारा एजेंडा जो है वह हम प्री के बारे में बात करेंगे उसके डायरेक्टिव्स की बात करेंगे देखेंगे ये करता क्या है और क्यों इस्तेमाल होता है और इसी के ज़रिए हम आगे चल के हेडर फाइल्स की बात करेंगे जो आज तक आप इस्तेमाल ज़रूर करते आए हैं लेकिन हमने उसको एक किस्म का मैजिक रखा हुआ था कि जी आप ये लिख दें आगे काम चल जाएगा आज ज़रा उसके अंदर हम खोल के हेडर फाइल्स को भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या होता है फिर हम इन्हीं हेडर फाइल्स के थ्रू मैक्रोज़ की भी बात करेंगे विच इज़ लाइक कोड सब्सिट्यूशन जिससे हमारी ज़िंदगी कुछ हद तक आसान हो जाती है और एक आध माइनर टॉपिक है रिलेटेड इसी तरीके से डिफ़ाइन करने का उनकी हम बात करेंगे तो आइए पहले हम प्री प्रोसेसर की बात करते हैं सी जो है वो एक बड़ी सी लैंग्वेज है छोटी लैंग्वेज है इसको एनहांस करने के लिए हमारे पास एक प्री प्रोसेसर भी है ये हर की सी कंपाइलर के साथ आता है प्री करता यह है कि जी कंपाइल करने से पहले अगर आपने प्रोग्राम के साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी हो तो ये प्री प्रोसेसर एक्शन में आता है ये कोड को कुछ तब्दीलियाँ करता है उसके अंदर कोई चीज़ शामिल करता है या कोई डेफिनेशन इंक्लूड करता है और फिर जाके कंपाइलर को वो फाइल मिलती है आमतौर पे हमें ये नज़र नहीं आता कि जनाब क्या चीज़ इंक्लूड हुई है क्योंकि कोई इंटरमीडिएट फाइल हमारे हाथ में नहीं आती बट नान देर आर लॉट्स ऑफ यूजेज ऑफ दिस प्री अभी तक हम जो बात करते आए हैं आपको याद होगा कि जी शार्प इंक्लूड का एक डायरेक्टिव था वो हम हर प्रोग्राम से ऊपर लिख देते थे समथिंग लाइक like, शार्प इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एज और हमने कहा था कि जी ये एक जादू की चीज़ है अभी आप लिख लें हम बाद में बात करेंगे आयो स्ट्रीम की अभी बारी नहीं आई वो हम फिर और आ, उसको डिले करते हैं अभी आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे लेकिन आज ये शार्प इंक्लूड वाली जो बात है इसके बारे में वी वुड लाइक टू डिस्कस अटल बेट प्रीप्रोसेसर करता क्या है देखें जब हम इस किस्म का कोई डायरेक्टिव दे देते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं कि शार्प इंक्लूड फलानी चीज़ तो वो जो फलानी चीज़ है विच यूजुअली इज़ अ टेक्स्ट फाइल ठीक है इट्स एन ऑर्डिनरी टेक्स्ट फ़ाइल लेकिन उसके अंदर लिखा होता है कोई तरतीब की चीज़ लिखी होती है यानी सी का कोड होगा या कोई डेफिनेशनस होंगी वो जहाँ पर ये लाइन प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं शार्प वाली उस जगह पर वो पूरी की पूरी फाइल जो है वो शामिल हो जाती है एज ए सैड अर्लियर ये शामिल हुई हुई फाइल जो है वो हमें नज़र नहीं आती लेकिन कंपाइलर को जरूर नज़र आती है सो वन द कम्पाइलर स्टार्ट कम्पाइलिंग इट सीज ऑल ऑफ द थिंग्स इन दैट फाइल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ द प्री प्रोसेसर दे बिगिन विद द शार्प साइन ठीक है ना वो जो हैश सिम्बल है आपके की बोर्ड पर मिलता है तो हर लाइन जो है वो शार्प से शुरू होती है दो मेजर चीज़ें हैं जो कि हम फ्री प्रोसर डायरेक्टिव के साथ करते हैं पहला वो है जिसके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ वो है इंक्लूड इंक्लूड के साथ हम नॉर्मली जो लिखते आए हैं वो फाइल जो है वो एंगल ब्रैकेट्स में ग्रेटर देन और लेस देन साइन के अंदर फाइल का नाम देते आए हैं ये जो इस तरह से हम लिखते हैं देट टेल्स द सी कंपाइलर कि ये फाइल एक ख़ास लोकेशन में एक ख़ास फोल्डर में पड़ी हुई है वहाँ से इसको इंक्लूड कर लिया जाए सो आई ओ स्ट्रीम डॉट एच हमने इंक्लूड की है स्टैंडर्ड लिब डॉट एच इंक्लूड की है एफ स्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड की है स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड किया है बहुत सारी फाइलें जो है वह हम एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते रहे हैं और सब के नाम जो हैं वो हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड किए थे दीज नेम्स आर लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्ट्री अगर आप अपना हमारा वाला कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ डेफ सी प्लस प्लस तो उसका ज़रा डायरेक्ट्री स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा विंडोज एक्सप्लोर में उसको खोलें और लेफ्ट साइड पे अगर डेव सी प्लस प्लस को क्लिक करेंगे तो राइट right वाले पेन के अंदर आपको कई उसके सब फोल्डर्स नजर आएंगे इनमें से एक सब फोल्डर जो है वो इंक्लूड का सब फोल्डर है उसको अगर डबल क्लिक कर लें या उसको लेफ्ट साइड पे क्लिक कर लें तो राइट right साइड पे आपको बहुत सारी फाइलें नजर आएंगी और यूजली उनका नाम समथिंग डॉट एच है एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल्स वाई डू वी कॉल देम हैडर फाइल्स बिकॉज नॉर्मली ये चीज़ें हम ये फाइलें जो हैं ये अपने प्रोग्राम के ऊपर डालते हैं सबसे ऊपर इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये ऊपर आती हैं इस वास्ते हम इनको हेडर कहते हैं कोई लिमिटेशन नहीं है आप इंक्लूड के साथ फाइल अपनी सोर्स फाइल के अंदर कहीं भी कोई टेक्स्ट या कोई और फाइल इंक्लूड कर सकते हैं ऑफकोर्स इट हैज़ टू में लॉजिकल सेंस कि एक प्रोग्राम चल रहा है उसका एक हिस्सा कहीं और आपने लिखा है वो इंक्लूड करके यहाँ पर लिया आए इट हैज भी इन द प्रॉपर पोजिशन बट नान

कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि फंक्शन का नाम क्या है इसके आर्गमेंट क्या हैं और ये रिटर्न क्या करता है ये चीज़ें पता होंगी तो फिर वो पहला पास जो है कंपाइलेशन का वो उससे गुजर सकता है जहाँ तक रही बात कि वो फंक्शन का इस हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होगा नॉर्मली फंक्शंस जो हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो अलहदा से कंपाइल्ड लाइब्रेरीज़ में पड़े होते हैं वो लिंकर का, का काम है कि जी उस वक्त जब आपका ऑब्जेक्ट कोड बन गया यानी सोर्स कोड से कंपाइलर ने पहला पास कर लिया और सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया इनटू ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट कोड इज़ मशीन कोड लेकिन ये अभी चल नहीं सकता इट इज़ नॉट एक्सीिक्यूटबल कोड जिसको हम कहते हैं रिलोकेटेबल लोकेटल एक्सिक्यूटबल वो नहीं अभी बना ऑब्जेक्ट कोड जब बन जाता है उसके साथ बाकी लाइब्रेरीज में से वो फंक्शन का ऑबजेक्ट कोड शामिल किया जाता है जो कि हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल करता है वो जब प्रोग्राम शामिल हो जाता है फिर इसके साथ कुछ मेमोरी लोकेशंस वगैरह की साथ इंक्लूड करके फिर हमारी एक्सिक्यूटल फाइल बनती है ये तो लिंकर का, का काम है कंपाइलर ने इस वक्त तक क्या किया कि हमने जो भी फंक्शन इस्तेमाल करना था उसको कंपाइल करके मशीन कोड में उसका नाम और आर्गूमेंट्स जो है इनकलूड कर लिए लेकिन कम्पाइलर ये भी चेक करना चाहता है कि ये फंक्शन कॉल जो हमने लिखी है ये वैलिड है कि नहीं है इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कंपाइलर ये चाहता है कि या तो फंक्शन की डेफिनेशन पहले आ चुकी हो यानी पूरा फंक्शन करता क्या है और अगर डेफिनेशन नहीं आई तो कम से कम उसकी डेक्लरेशन यानी प्रोटोटाइप आ गया हो ताकि फंक्शन की शक्ल नज़र आ जाए जब तो हम अपने फंक्शन लिख रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हैं कि हम फंक्शन ऊपर डिफाइन कर दें फिर हम मेन के अंदर आएं जहाँ पर हमें यह फंक्शन इस्तेमाल करना है एंड वी गो ऑन लाइक दैट इन विच केस द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन जो ऊपर हमने लिखी है वो प्रोटोटाइप का भी काम कर देती है और डेफिनेशन का भी काम कर देती है दोनों काम हो जाते हैं मेन के अंदर हम वो लाइन लिख सकते हैं जहां वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं और कंपाइल करते वक्त वो फंक्शन भी कंपाइल हो जाता है और मेन भी कंपाइल हो जाता है लिंक करें और चला लें इनकेस एंड द एज द प्रोग्राम्स बिकम बेग ये मुश्किल हो जाता है कि जी सारे फंक्शन पहले ऊपर डिफाइन किए जाए कई दफ़ा हम करते हैं कि फंक्शंस एक अलग फाइल में डिफ़ाइन कर देते हैं और उसको अलग से कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल बना लेते हैं और मेन के अंदर सिर्फ वो फंक्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं इस केस के अंदर हम फंक्शन की क्योंकि डेफिनेशन अब किसी और फाइल में या कहीं और पड़ी हुई है हम चाहते हैं कि फंक्शन की डिकलरेशन ऊपर आ जाए वही बात कि अगर ये प्रोग्राम जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स हो गया और इसके अंदर बीसवीं फंक्शनस हैं तो या तो आप मेन के ऊपर वो बीसों जो है डेफिनेशन या प्रोटोटाइप्स लिखें और फिर जाके मेन की बॉडी जो है वो लिखनी शुरू करें दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी खुद हेडर फाइल एक बना लें सो यू कैन कॉल इट माय हेडर डॉट एच ये जो फाइल है इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप लिस्टेड होंगे ये फंक्शन प्रोटोटाइप लिख के लिख के इस फाइल के अंदर आप इसको सेव कर दें ऑर्डनरी टेक्स्ट फाइल के तौर पर अब जब आप मेन लिखने आते हैं तो उसमें जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं यानी शार्प इंक्लूड आई अगर आपने इनपुट आउटपुट करनी है वो तो आप लिख लेंगे उसके बाद आप शार्प इंक्लूड के साथ माई हेडर भी बीच में लिख देंगे नॉर्मली क्योंकि ये फाइल जो है यह हमारे किसी फोल्डर में पड़ी होती है और नॉर्मली उस फोल्डर में जहाँ पर हमारा मेन प्रोग्राम जो है उसका सोर्स कोड पड़ा हुआ है इस वास्ते इसको एंगल ब्रैकेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है डबल कोटेशन मार्क्स में जब हम फाइल का नाम देते हैं तो इंक्लूड जो है वो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर उस फाइल को ढूंढता है सो कीप दैट डिफरेंस इन माइंड इंक्लूड द नेम ऑफ अ फाइल इन एंगल ब्रैकेट देन दी कंपाइलर लुक्स इन स्पेसिफिक लोकेशन वो लोकेशन जो कि कंपाइलर को पता है कि जी इंक्लूड फाइल्स कहां पड़ी हुई है अगर आप डेव सी प्लस प्लस में ही देखें तो आपको टूल्स के नीचे ऑप्शन का एक मिलता है और चॉइस जहाँ पर एक पूरा जो है ना डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि जी इंक्लूड फाइल्स कहाँ हैं और बाकी चीज़ें कहाँ हैं और लाइब्रेरीज कहाँ हैं एट्सट्रा वो जो वहाँ पे इंक्लूड फाइल्स की डायरेक्टरी या फोल्डर का नाम पूरा लिखा हुआ है वो जो है वो है द वन दैट रिलेट्स टू द एंगल ब्रैकेट्स जब हम अपनी हेडर फाइल लिखते हैं तो नॉर्मली जो हमारा सोर्स कोड है वो शायद माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा हो अगर वो वहाँ पे हो रहा है तो हमारी हेडर फाइल भी हम उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे और उसका नाम जो है प्रोग्राम के अंदर वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर शामिल करेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नहीं करेंगे अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है जब हमने ये कंपाइलर को कहा कि जनाब हमारा प्रोग्राम कम्पाइल करो तो वह पहले शाप इंक्लूड डायरेक्टिव्स को देखता है ये जो डायरेक्टिव्स हैं एक एक करके प्रोसेस होते हैं सबसे पहला डायरेक्टिव अगर कहता है शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में iostream.h तो वो डेवसी प्लस प्लस या जो भी सी कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इंक्लूड डायरेक्टरी में जाएगा और देखेगा कि दी iostream.h ओ स्ट्रीम कहाँ पर है और फिर उसको iostream को एज अ टेक्सट फाइल आप समझ लें पूरी की पूरी आपके प्रोग्राम के ऊपर वो शामिल कर देगा सो इन अ वे योर सोर्स कोड इज एक्सपैंड नेक्स्ट लाइन कोई और शायद आपने शार्प लिखा हो उसमें जो फाइल लिखी हुई है वो सारी इंक्लूड होगी इन द सेम ऑर्डर यानी आई स्ट्रीम अगर ऊपर लिखी थी तो पहले आई ओ आएगी उसके बाद शायद आपने एफ स्ट्रीम लिखा हो उसके बाद एफ स्ट्रीम का कोड आएगा उसके बाद अगर आपने लिखती है माय हैडो तो जो माय हैड्रो लिखा था वो इसके अंदर आ जाएगा फिर आपका अपना प्रोग्राम आएगा और ये सारी जो बड़ी एक्सपैंड फाइल है फिर ये कंपाइलर को दी जाएगी कि जी हाँ अब इसको कंपाइल करो व टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इन ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन जो है इनक्लूजन होती है कोर्ट की इन अ वे आपका प्रोग्राम इस वक्त तक बहुत फैल चुका है बड़ा हो चुका है लकीली वी नेवर गेट टू सी इट हमें तो एंड पे जाके एक्सिक्यूटल मिलेगी अब इनके अंदर यह भी देखने वाली बात है कि जी ये इंक्लूड फाइल सिर्फ ऊपर आ सकती हैं या प्रोग्राम के दरम्यान में भी डाली जा सकती हैं एज आई मैं देर इज नो रिक्वायरमेंट जी इंक्लूड फाइल जो है वो सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर हों कोई लिमिटेशन नहीं है हाँ नॉर्मली हम ऊपर ही इंक्लूड करते हैं बिकॉज दे आर हेडर्स हम ये नहीं करते कि कोड का सेगमेंट जो है ना उसको कहीं और डिफाइन करके उसको इंक्लूड से बीच में ले आए किया जा सकता है बट दैट इज नॉट द प्रैक्टिस इसके अलावा और हमारे पास कौन से डायरेक्टिव है हमने एक शार्प इंक्लूड का भी डिस्कस किया वन ऑफ द अदर मेजर डायरेक्टिव इज द शार्प डिफाइन डायरेक्टिव शार्प डिफाइन के साथ आप मैक्रोज डिफाइन कर सकते हैं मैक्रो हम कहते हैं कि जी एक ख़ास नाम जिससे सब्सिट्यूट करके हम कोई चीज़ एक्सपेंड करके वहाँ पर इंक्लूड की जा सकती है मैक्रो का, का काम जो है एक दो शायद हमने इस्तेमाल भी किए हों अदरवाइज लेट्स टॉक अबाउट दम नाव फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर हमें पाए की वैल्यू की ज़रूरत है पाई इज लाइक एज यू नो अ यूनिवर्सल कांस्टेंट थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स और वो चलता जा रहा है और कंप्यूटर्स लगे हुए इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के अंदर लेकिन एक कांस्टेंट है बजाय इसके कि हमारे कोड में जहां पे भी पाई की वैल्यू की हमें जरूरत हो वहां पे हम ये वैल्यू लिख रहे हों थ्री पॉइंट उससे बेहतर यह है कि शायद हम एक जगह पर कहीं पर पाए डिफाइन कर दें ना आप कहेंगे कि जी ये तो हम एक वेरिएबल से भी काम कर सकते हैं बिल्कुल सही है कि आप वेरिएबल के साथ भी आप कह सकते हैं डबल पाए और फिर या वहीं पे उसको असाइन भी कर दें वैल्यू या आगे जाके आप लिखते हैं पाई इक्वल टू समथिंग और फिर पाई को इस्तेमाल करते रहें नो प्रॉब्लम बट एक्चुअल सिचुएशन इज कि इस तरह अगर आप पाए डिफाइन करेंगे तो इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल इफ इट इज अ वेरिएबल तो उसकी वैल्यू रीअसाइन भी हो सकती है हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी हम पाए लिखें वहाँ पे पाए की नेचुरल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आए और कोई वैल्यू ना आए तो हम क्या करते हैं हम प्रोग्राम के ऊपर ये एक लाइन लिख देते हैं शार्प डिफ़ाइन और डिफाइन पूरा अंग्रेजी का वर्ड है विच मीन्स डिफाइन वट एवर आई एम सेंग और उसके बाद जो भी हम सिंबॉलिक नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नाम लिख देते हैं इन दिस केस पाए पी आई और फिर ये भी कन्वेंशन है कि जब हम इस तरह के नाम लिख रहे हों तो उनको फुल कैपिटल्स में लिखें उसका फ़ायदा ये होता है कि कोड में जहाँ पे हम ये वेरिएबल या से सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है नॉट अ वेरिएबल सिंबॉलिक कांस्टेंट जहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें नज़र आ जाएगा आसानी से तो हमने लिखा शार्प डिफ़ाइन फिर कैपिटल्स में लिखा पाए और फिर स्पेस दे हमने लिखा थ्री या वट वैल्यू वी वॉन्ट टू असाइन टू दिस कॉन्सटेंट अब ये जो है प्री प्रोसेसर इसके साथ क्या करता है प्री प्रोसेसर यह करता है कि जब आप कहते हैं कोड को कि अब इसको कंपाइल करो तो पहले देखता है कि जी शार्प डिफाइन्स कौन से हैं एक तो शार्प इंक्लूड्स की हमने बात की वो तो फाइलें की फाइलें जो है पूरा टेक्स्ट जो है इसमें इंक्लूड हो गया अब वो ये करता है कि जी डिफाइन के साथ जो भी आपने नाम लिखा हुआ वो जहां जहाँ कोर्ड में आता है वहाँ पर नाम रिप्लेस हो जाता है इट इज़ रिप्लेस्ड विद द वैल्यू ऑफ द नेम असाइंड विद द शार्प डिफाइंड स्टेटमेंट सो इन अ वे कंपाइलर को पाए नजर नहीं आता कंपाइलर को जहां जहां हमने सोर्स कोड के अंदर पाए लिखा था वहां पर थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन ही नजर आएगा अब इसका फायदा क्या है नुकसान क्या है सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सपोज हमने प्रोग्राम लिखना शुरू किया तो उस वक्त पाए को डिफाइन किया है थ्री पॉइंट वन फोर बच्चों वाली डेफिनेशन दो डेसिमल प्लेसेस तक उसके बाद जब हमने कोई कंप्यूटेशन की और हम अपने रिजल्ट्स को देखने लगे तो लगा कि भाई ये तो काफ़ी एक्यूरेट नहीं है बेहतर ये था कि हम पाई की वैल्यू को चार डेसिमल प्लेसेस तक ले जाते अब देखें अगर हमने पाई की वैल्यू कोड के अंदर हर जगह पर लिखी होती है थ्री तो आप सर्च एंड रिप्लेस कर रहे होते और उसको रिप्लेस करके कर हर जगह पे उसको 3.1415926 लिख रहे होते प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कोई वैल्यू मिस भी हो सकती है एक दूसरा कि शायद 3.14 कहीं और लिखा हो किसी और वजह से और वो पाए ना हो कोई और कॉन्स्टेंट हो टैक्स रेट हो अगर किसी ने फनी टैक्स रेट रखा हुआ है और उसको भी हम पाए की वैल्यू के साथ ही बदल दें सो यू कैंट डू अ ब्लाइंड सर्च एंड रिप्लेस एंड एक्सपेक्टेड टू वर्क इट्स मच नाइसर कि पाए ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है और नीचे पी जो सिंबल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कोड के अंदर जब हमने वैल्यू को अपडेट करना है बदलना है या उसको ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक इस्तेमाल करना है तो प्रोग्राम में एक जगह पे जाके हमने पाए की वैल्यू बदली और फिर जब कंपाइल करेंगे तो हर जगह पर वो वैल्यू सब्सटीच्यूट हो जाएगी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब हम शार्प डिफाइन के साथ कोई इस तरह सिम्बोलिक नेम जो है वो एसोसिएट करते हैं तो वो एक्चुअल कोड में सब्सटीट्यूशन होती है बिफोर इट गोज द कंपाइलर दिस गिव्स अस वेरी नाइस कंट्रोल कि एक जगह पे वैल्यू बदली पूरा प्रोग्राम जो है वो अपडेट हो गया इसको कंबाइन करें शार्प इंक्लूड के साथ कि जी हमने एक माय हेडर डॉट एच भी लिखी थी अपनी हेडर फाइल तो क्यों ना पाए कि डेफिनेशन हेडर फाइल में ही डाल दें उसका फायदा क्या होगा जहां जहां वो हेडर फाइल इस्तेमाल होगी वो ऑटोमेटिकली पाए की नई वैल्यू जो है वो वहाँ पे अपडेटेड मिलती रहेगी आपके प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पांच फंक्शंस हैं और पांच फंक्शंस के अंदर पाए इस्तेमाल होना है और आपने उनकी अलहदा अलहदा सोर्स कोड फाइल्स बनाई हुई हैं रादर देन एक लंबी फाइल के तो आपको पांच जगह पे शार्प डिफाइन पाए थ्री पॉइंट करना पड़ेगा वो भी आप हेडर फाइल में ले जाए अब अगर आपने वैल्यू अपडेट करनी है तो सिर्फ अपनी हेडर फाइल को अपडेट करें जब भी आप प्रोग्राम को रिकम्पाइल करेंगे एवरी थिंग विल बी अपडेटेड सो इट्स अ नाइस वे ऑफ डूइंग थिंग्स एक चीज क्लियर करता चलूं ये जो हमारे प्री प्रोसेस डायरेक्टिव हैं शार्प इंक्लूड शार्प डिफाइन ये सी की स्टेटमेंट्स नहीं हैं सिंस दे आर नॉट सी स्टेटमेंट्स इनके एंड पे हम सेमिकोलन नहीं लगाते इस चीज का ख्याल रखिएगा अदरवाइज दैट बिकम्स लाइक अ अंटेक्स एरर या कुछ अजीब किस्म के साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे सिर्फ यही दो प्री प्रोसेड डायरेक्टिव हैं नहीं काफ़ी सारे और हैं ये लिस्ट भी आप देख लीजिए आपके हैंड आउट में भी दी हुई है ख्याल रहे कि प्री प्रोसड डायरेक्टिव सब जो हैं वो शार्पसाइन के साथ शुरू होते हैं इसके साथ हम कंडीशनल कंपाइलेशन भी कर सकते हैं इफ़ भी है हमारे पास शार्प इफ़ शार्प एल्स शार्प इंडफ और अगर एल्स इफ़ इस्तेमाल करना चाहें हम तो उसके लिए शार्प ई एल आई एफ एल इफ़ ये भी चलता है उसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जी कोई सिंबल जो हमने डिफाइन किया, so किया हुआ है कि नहीं सो वी कैन से इफ डेफ और अगर डिफाइन किया हुआ है यानी जैसे हमने पाई इस्तेमाल किया तो वी कैन ऑलवेज से कि जी इफ शार्प इफ डेफ पाई, विच मीन्स अगर पाई डिफाइन हुआ हुआ है तो फिर ये करो तो और नीचे कुछ और हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी ये कंडिशनल कंपाइलेशन के अंदर चली जाती हैं दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाए ऑलरेडी डिफाइंड हो यानी शार्प डिफाइंड पाए कहीं पर किया हुआ है तो इट इज़ एन एरर टू ट्राई एंड डिफाइन इट अगेन इस वास्ते उसको पहले अनडिफाइन करना लाजमी है और अनडिफाइन के लिए शार्प अनडेफ आ जाता है सो so, काफ़ी सारे हैं जो प्री प्रोसेस डायरेक्टिवस हैं और कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर हमें जो फायदा मिलता है वो ये है कि जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है आप चाहते हैं कि इसको डिबग करना चाहें और डिबगिंग के अंदर एक कॉमन टेक्निक ये है कि जी आप कोई आउटपुट स्टेटमेंट्स स्क्रीन पे लिखना शुरू कर दें एट वेरियस पॉइंट्स इन द प्रोग्राम तो सी कि ये यहाँ तक ठीक काम किया है यहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी आगे चलें यहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी एंड सो ऑन सो यू स्प्रिंकल योर सोर्स कोड विद लॉट्स ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट्स विच नॉर्मली स्टार्ट गिविंग यू अ पिक्चर कि जी प्रोग्राम क्या प्रोसेस कर रहा है अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है एंड यू नो देट योर प्रोग्राम वर्क फाइन इट इज एक्सट्रीमली टीडियस टू गो एंड स्टार्ट रिमूविंग ऑल दीज आउटपुट स्टेटमेंट विथ वर्न पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम डेफिनेशन उसमें हमें नहीं चाहिए थी ये तो हमने डिबगिंग के लिए इस्तेमाल की वहां पर हम फिर कंडीशनल कंपाइलेशन कर सकते हैं कि जी ऊपर एक कोई सिम्बॉलिक नेम डिफाइन कर दें लेट से डिबग और नीचे जाके हम शार्प इफ के साथ कहें कि अगर डिफाइंड है इफ डेफ डिबग तो फिर ये आउटपुट स्टेटमेंट चला दो शार्प एंड अब फायदा यह होगा बाय द वे अब देखिए मैंने क्या किया है कि जी शार्प डिफाइंड डिब पहले जो हमने शार्प डिफाइन का एग्जाम्पल किया था उसके अंदर पाए को एक वैल्यू दी थी ज़रूरी नहीं है कि शार्प डिफाइन के साथ वैल्यू दी जाए सिर्फ ये कह देना शार्प डिफाइंड पाए मीन्स के एक सिम्बल पाए जो है वो डिफाइन हो गया है उसकी वैल्यू कोई नहीं है बट इट एग्जिस्ट एज फार एज द कंपाइलर इज कंसर्न सो इसी तरीके से जब हम टेस्ट करने जाते हैं कि जी इफ डेफ तो इफ़ डिफाइंड हम लिख सकते हैं आगे पाए ऑब्वियसली दैट इज टू कंट्राइव्ड लेकिन डिब्गिंग के हवाले से देखें हम कहते हैं शार्प डिफाइंड डिबग अब डिबग हमने पूरा कैपिटल्स में लिख दिया कोई वैल्यू नहीं दी लेकिन नीचे जाके अगर हम ये लिखेंगे शार्प इफ डेफ डिबग तो देट विल रिटर्न ट्रू क्योंकि डिबग डिफाइंड है सो दैट इज हाउ वी यूज सिंपली डिफाइनिंग अ नेम makes it exist as far as the compiler is concerned. So, we can do conditional compilation, we can do actual macro translation which means replacement of a symbol by the value in front of it. And remember you cannot redefine a symbol without undefining it first. Undefined ke, karne ke liye undef ka macro hai, Top sharp आगे जो भी सिंबॉलिक नेम आपने इस्तेमाल किया था फॉर एग्जाम्पल डिब या पाए या कोई और चीज वो लिख देंगे तो उस पॉइंट ऑनवर्ड्स से आगे को वो सिंबल अवेलेबल नहीं होगा सो दैट मीन्स दैट द कंपाइलर विल नाउ नो लॉन्गर सी दैट सिंबल एंड यू कैन रीडिफाइन इट दिस इज आई विल रिपीट इट्स इम्पोर्टेंट यू कैनॉट डिफाइन सिंबॉलिक नेम इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेफिनेशन तो so, अगर करना हो तो उसको अनडिफाइन करना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए व्हाट आई वुड स्ट्रांगली इज़ कि आप कुछ हेडर फाइल्स को खोल के देखें फॉर एग्जांपल आपने एक असाइनमेंट भी की थी उसके अंदर हमने कॉन आईओ जो है कंसोल इनपुट आउटपुट ये पुराने ज़माने की लेगेसी है और जो हमारे कीबोर्ड वाले सिस्टम्स एंड द वस वर नाटिंग ग्राफिकल यूज इंटरफेस वहाँ पर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो कॉन आई की ना दो वेराइटीज़ आपके पास मौजूद थी डेव प्लस प्लस में कम से कम वहाँ पे कॉन भी थी एज ए हेडर फाइल और एक उसका वेरियंट था कॉन इनको आप खोलें एडिट ना कीजिएगा कोई चीज़ चेंज ना कीजिएगा शायद कंपाइलर काम करना ही बंद कर दे या अजीब किस्म के इफेक्ट्स आ जाएं बस को पढ़ने की कोशिश करें इनिशियल इम्पैक्ट तो आपका होगा ओहो ये क्या चीज़ खोल ली घबराने की बात नहीं है एक्चुअली यू now हैव enough knowledge नॉलेज टू एक्चुअली रीड इट लाइन line. लाइन इफ़ यू लुक एट इट यू विल फाइंड स्ट्रेंज सिम्बल्स कोई नाम है किसी वेरिएबल का या कांस्टेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ तो यू माइट फाइंड कि उससे पहले अंडरस्कोर कैरेक्टर्स लगे हुए हैं अंडर वाला मैंने एक लेक्चर में पहले भी जिक्र किया था कि बहुत सारे इंटरनल कांस्टेंट्स हैं या इंटरनल सिंबॉलिक नेम्स जो हैं जो कम्पाइलर हमारे इस्तेमाल करते हैं उनका नाम डबल अंडर स्कोर के साथ शुरू हो रहा होता है लिहाजा इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि हम अपने लिए कोई ऐसे वेरिएबल्स इस्तेमाल ना करें जिनका नाम जो है वो डबल अंडर स्कोर से शुरू हो रहा हो डेट वॉज जस्ट एन असाइड बट इफ यू लुक एट समीज फाइल्स विच वी है प्रोग्राम्स यू विल फाइल फाइंड फॉर एग्जाम्पल ये कौन आयो के अंदर आपको गेट सी एच ई की डेफिनेशन भी मिलेगी एक फाइल में सिर्फ लिखा होगा इंट गेट सी एच ई पैरेंथिस

और आप वहां पे कहीं पे जाके कह देते हैं गेट सी एच ई विच इज गेट कैरेक्टर विद फॉर एक्र दो यूर इंटरेस्टेड कि जब हम की दबाएं तो वो echo भी करे स्क्रीन पे भी नजर आए कि हमने कौन सा बटन दबाया है सो गेट सी एच ई अगर हमने प्रोग्राम में लिखा और ऊपर इंक्लूड नहीं की फाइल तो यू विल गेट अ कंपाइलर एरर वो जो नीचे वाला आपकी एरर स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं छोटी विंडो के अंदर वहां पे आ गया आ जाएगा समथिंग लाइक गेट सी एच ई नॉट डिफाइंड इस वजह से कि हमने वो हेडर फाइल इंक्लूड ही नहीं की जिसके अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन है अगेन वन ऑफ दीज टू इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्ट राइट एट द टॉप विच से तो फिर एक्सटर्न सी करके लिखा हुआ है कुछ और फिर एंड एनडिफ है विच मीन अगर आप उसको सी कोड के हवाले से अगर देखें तो लगता यह है कि जी अगर कोई चीज डिफाइंड है तो फिर उसने एक लाइन लिखी है जो कि इस फाइल के अंदर इंक्लूड की जानी चाहिए वो लाइन अगर देखें तो दे, उसके अंदर ब्रेस भी डला हुआ है एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट डला हुआ है तो अगर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है तो वो खत्म कहाँ होता है गो टू दॉटम ऑफ द सेम फाइल आई डोंट रिमेंबर विच वन इट इज बट गो टू दॉटम ऑफ दैट फाइल कॉन आई यो डॉट सी प्रोबेबली और वहां पे आपको फिर वो इफ डेफ नजर आएगा और उस इफ डेफ के साथ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट डला होगा एग्जाम्पल so, है कंडीशनल कंपाइलेशन की जी अगर ये सिंबल डिफाइंड है तो ये लाइनें भी इंक्लूड करो और ये वाली लाइन भी इंक्लूड करो एंड देन यू ब्रॉट अ कोर्ट ब्लॉक यहाँ पे ऊपर भी एक ब्रेस है और नीचे भी एक ब्रेस है सो लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन दीज फाइल्स यू आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू कि जितनी आज तक हम इस्तेमाल करते आए हेडर फाइल्स उनको कम अज कम खोल के एक सरसरी नजर जरूर गुजारे सो दैट यू कैन सी जी हाउ प्रोफेशनल प्रोग्रामर या प्रोग्रामर जो कि कंपाइलर लिख रहे हैं वो किस तरह से कोड लिखते हैं अगर आपके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो इट इज फ्री और उसका सोर्स कोड भी फ्री है वो सारा सी में लिखा हुआ है यू कैन टेक अ लुक एट द फंक्शन रिटर्न बाय द गुरूज और द सी गुरूज जो कि एक्चुअली लिख रहे हैं आपके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी का सोर्स कोड आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग कंपेयर का मिल जाएगा एंड इट इज अ गुड आइडिया टू रीड हाउ द मास्टर्स राइट कोड शायद आपका स्टाइल भी जो है वो उसके साथ अफेक्ट हो लेट्स गो ऑन एंड लुक एट अ रियल मैक्रो मैक्रो जो हैं वो दो मुख्तलिफराइटीज में आते हैं एक मैक्रो हम इस्तेमाल कर चुके हैं वो था शार्प डिफाइंड पाए और आगे उसकी वैल्यू दे दी और ये एक्चुअली मैक्रो का मतलब है कि जहाँ पे पाए आएगा वहाँ पर उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी इस तरह के जो सिंपल मैक्रोज हैं विच आर मोर लाइक सिंबॉलिक नेम्स बींग मैप्ड ऑन टू कॉन्स्टेंट्स वो तो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक और किस्म का मैक्रो है जो कि आर्गूमेंट भी लेता है यानी इट्स अ पैरामीटराइज्ड मैक्रो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक मैक्रो लिखूँ शार्प डिफाइन स्क्वेर और पैरथिस के अंदर एक्स अब मैं चाह ही रहा हूँ कि उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं x स्टार x रिमेंबर ये प्री प्रोसेसर में लिख रहे हैं ये सी का सोर्स कोड नहीं है लिहाजा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालेंगे होगा ये कि जहाँ पे भी आपके प्रोग्राम में आपने लिखा स्क्वेयर समथिंग तो कंपाइलेशन से पहले ही आपने लिखा वहाँ पर जाके लेकर आई तो ये मैक्रो जो है वहाँ पर रिप्लेस कर देगा i स्टार i वहां पे लिखा जाएगा स्क्यर गायब हो जाएगा पैरथिस गायब हो जाएंगे फुल सब्सिट्यूशन हो जाएगी जब i स्टार i लिखा गया फिर आपने प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर को दिया और उसने कंपाइल करके एक्सिक्यूटल कोड बना दिया अब इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं प्रॉब्लम्स क्या आते हैं सपोज मैंने यही डेफिनेशन ऊपर ली कि स्क्वेयर और उसकी डिफाइन कर दिया एक्स स्टार एक्स नीचे जाके मैंने कहा स्क्वेयर और पैरेंथिस के अंदर लिखती है आई प्लस जे अब जरा सब्सटीट्यूशन करें देखें क्या होता है x की जगह पे हमने लिखा हुआ आई प्लस जे सो जब सब्सिट्यूट करेंगे लिखा जाएगा विदाउट एनी पैर इट विल राइट आई प्लस जे स्टार आई प्लस जे नैट सर्टली इज नॉट द स्क्र ऑफ आई प्लस जे वॉट इट विल बी इज आई प्लस टाइम्स आई इट डिफरेंट तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए इसको ओवरकम करने का तरीका यह है कि जब भी आप कोई पैरामीटराइज मैक्रो लिखें तो जहाँ पर आपने लिखा स्क्वेर एक्स और पैरेंथीसीज के अंदर एक्स है आगे जब डेफिनेशन की बारी आती है तो पहले तो आप पूरी डेफिनेशन को पैरेंथीसीज में डाल दें सो एक्स स्टार एक्स ना लिखें आप पैरेंथिस के अंदर लिखें एक स्टार एक्स अभी भी काफी नहीं है क्योंकि एक्स का वही हाल होगा अगर नीचे आई प्लस जे आ गया अब क्या करें कि जी एक्स को भी परंथेसिज में डालें सो इट स्टार्स रीडिंग लाइक शार्प डिफाइन स्क्वेर परेंथ एक्स पैर क्लोज फिर स्पेस देखें ओपन परंथिस और फिर एक्स जो है वह पैरथिस के अंदर आएगा फिर स्टार आएगा यानी मल्टीप्लाइड बाय और फिर परेंथिस अंदर एक्स आएगा एंड क्लोज अब इसको जरा गौर से देखें कि जब नीचे मैंने जाके कोड में लिख दिया स्क्वेयर और पैरथिस के अंदर आई प्लस जे वहां पर क्या होगा कि वो पैरेंथिस भी यहां पे कॉपी हो जाएंगे नाउ आई विल गेट आई प्लस जे विद इन परेंथिस स्टार आई प्लस जे विद इन परंथिस एंड देन द होल थिंग इनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट वे आई प्लस जे मल्टीप्लाइड विद आई प्लस जे सो वी कैन यूज दिस मैक्रोसब्सटीट्यूशन अब वट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग दिस स्क्स विद अ फंक्शन कॉल्ड स्कोर एक्स कोई फायदा नुकसान आपको नजर आता है इसी वेन एवर वी कॉल अ फंक्शन तो कंपाइलर ने भी कुछ काम करना है लेकिन प्रोग्राम जब चल रहा होता है उस वक्त काफी सारा काम करना पड़ता है आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अभी तक मे खाल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी इसके बात हुई थी कि जी हमारी जो मशीनें हैं दिस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये वॉन वॉन्यूमैन मशीन जो है ये स्टैक बेस्ड मशीन है यानी पूरी मेमोरी को इट मेक्स इट अपेयर लाइक अ स्टैक और होता यह है कि जी एक प्रोग्राम की जो स्टेट है और स्टेट हम कहते हैं कि जी उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं इस वक्त प्रोग्राम कहाँ पर है उसका लाइन नंबर एंड सो ऑन वो स्टैक पर पड़ा होता है और उस पर सेव करके फिर हम वहाँ पर कोई आर्गूमेंट या पैरामीटर जो भी लिखना है वो लिख के फिर हम फंक्शन को कॉल भेज देते हैं सो फंक्शन कॉल दैट मींस इट्स लाइक चलते चलते एकदम यहाँ पे रुक जाओ और यहाँ पे जाके कुछ काम करो और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो वापस आके यहाँ से आगे को चल पड़ना सो so जब हम फंक्शन कॉल करते हैं वी गो ऑफ टू अनदर प्लेस इन द कोड द कोड पिक्स अप द वैल्यू फ्रॉम द स्टैक डर सम कम्पिटेशन एंड देन कम्स बैक रिटर्न द कंट्रोल टू दिन प्रोग्राम और वो आगे को चल पड़ता है वट दिस मीन इज दट देर इज कंसिडरेबल ओवरते हैं यानी जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं देर इज समस्ट्रा वर्क नीड्स टू बी डन वेन एवर वी डू अ लॉड ऑफ फंक्शन कॉल्स एक लूप है उसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है बार बार हो रहा है तो ये ओवर हेड हर दफा होगा यानी जितनी दफा लूप चलेगी उतनी दफा ये ओवरहेड इनकर होगा एंड ओवरहेड को आप समझें कि ये कंप्यूटर टाइम है सो टाइम वेस्ट होता है कंप्यूटिंग रिसोर्स वेस्ट होते हैं नाउ ऑब्वियसली देर आर मेनी सिचुएशंस वेयर वी कॉन्ट डू विदाउट अ फंक्शन कॉल वी हैव टू कॉल दो फंक्शंस, दैट इज ऑल बट इन दिस सिंपल एग्जांपल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था स्क्वेयर करने की अगर स्क्वेयर को मैं एज अ फंक्शन कॉल ट्रीट करूँ और प्रोग्राम वो दस दफा स्क्वेयर का फंक्शन कॉल करे तो अ टाइम इज वेस्टेड Instead of that, if we were to define square as a macro the way we have done, what happens is that वो code x star x wo substitute हो जाएगा in the code by expanding it. In this example, जो हम लेके चले थे, i plus j parenthesis के नदर, times i plus j in parentheses, वो code के अंदर लिखा जाता है. the expansion happens before the code is compiled. What that means is

हो जाएगा it is faster execution, lesser overhead. अगर इतना ही फायदा है इनका का, तो हम well, यानी जहां पे भी आपने एक मैक्रो डिफाइन करके उसको पैरामीटराइज मैक्रो की डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन लिखे नीचे लिखी जाएगी विच मीन अगर वो बार बार कोड के अंदर आप शामिल कर रहे हैं तो आपका कोड मोटा होता जाएगा ब्लोट कर जाएगा सो दैट इज कॉल्ड कोड ब्लोट द प्लस साइड इज यूर गेटिंग फास्टर एक्सिक्यूशन द डाउन साइड इज यू गॉट अ बिगर प्रोग्राम यानी उसकी एक्सिक्यूटेबल फाइल भी बड़ी बनेगी समाइम्स फंक्शन कॉल्स आर नेसेसरी यू गॉट टू डू सम कॉम्प्लेक्स वर्क सो इट इज बेटर टू डिफाइन थिंग्स इन फंक्शन एंड टेक द ओवर हैड ऑफ अ फंक्शन कॉल बट फॉर सिंपल थिंग्स लाइक दिस स्क्वेयर और सम अदर डेफिनेशन और इट इज नाइस टू बी एबल टू राइट इट इन लाइन एंड लेट इट बी एक्सपेंडे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इन चीजों के वो मैं मैंशन करता चलता हूँ बट यू वुड ऑल्सो डिस्कवर दैम बाय ट्रायल बट नाइसर टू नो जब भी हम कोई मैक्रो डिफाइन करते हैं जिसने आर्गूमेंट लेने हैं तो मैक्रो के नाम के फौरन बाद ओपन पैरथिस आ जाना चाहिए यानी वहाँ स्पेस नहीं देनी जैसे स्पेस दी तो वो शार्प डिफाइन वाला पाई वाले सिचुएशन में आप चले गए कि जी ये नाम है इसकी जगह पे ये सब्सिट्यूट कर दो हम चाह रहे हैं कि एक आर्गमेंट वाला मैक्रो डिफाइन हो तो उसके साथ मैक्रो के नाम के साथ ही आप पैरेंथिस ओपन कर देंगे फिर अंदर एक या उससे ज्यादा आप आर्गूमेंट्स दे देते हैं ये नाम वही हैं जो सी वेरिएबल्स के नाम हैं बिल्कुल उस वही रूल्स इसको फॉलो करते हैं और अगर एक से ज्यादा हों तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होगी फिर आप पैरथिसिस बंद करते हैं फिर स्पेस आती है और स्पेस के बाद जो है वो मैक्रो की डेफिनेशन आएगी आइए ये एक एग्जांपल देख लेते हैं जो जरा सा ज़्यादा यूजफुल है यहाँ पे हम एरिया ऑफ अ सर्कल का एक मैक्रो बनाते हैं अब एरिया ऑफ अ सर्कल आपको पता है वो पाई आर स्कोयड है वेर आर इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल सो सपोज़ वी हैवे प्रोग्राम जहाँ पर हमने सर्कल का एरिया जो है वो बार बार कम्प्यूट करना है

पाए इन कैपिटल्स पी फिर स्पेस देके पाए की वैल्यू लिख देते हैं द नंबर विच वी वांट टू यूज फॉर पाए और वो उतनी डेसिमल प्लेसेस का नंबर होगा जितनी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पे देखें इन फ्लोर डबल नहीं चल रहे दिस इज कांस्टेंट सो यू कैन यूज सिक्स डेसिमल प्लेसेज और एट डेसीमल प्लेस वो कंप्यूटेशन के अंदर इस्तेमाल होंगी जब पाए डिफाइन हो गया नेक्स्ट लाइन कहती है शार्प डिफाइन सर्कल एरिया अगेन

ताकि वो क्लियर रहे कि जी ये आगे जाके सब्सिट्यूट हो जाएगा सो so हमने लिखा शार्प डिफाइन सर्कल एरिया परंथिस के अंदर कैपिटल एक्स और फिर स्पेस देके सर्कल एरिया की डेफिनेशन आ जाएगी अगर तो हम डेफिनेशन सिंपल लिखते हैं विच इज पाई इन कैपिटल्स स्टार एक्स स्टार एक्स नो सेमिकोलन तो ये सिंपल काम जो है वो कर देगा जहाँ पर भी आप सर्कल एरिया को एक कोई वैल्यू दे रहे हैं वहां पर कंप्यूटेशन ठीक हो जाएगी लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया अगर वहां पे आप रेडियस जो है एस एन एल्ज्रिक या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो ये डेफिनेशन फेल हो जाएगी इसके लिए इट इज़ बेटर टू इनक्लोज ऑल द एक्सेज इन देयर ओन परेंथिस सो वी राइट पाए स्टार विद इन परिस कैपिटल एक्स स्टार विद इन परेंथसीज कैपिटल एक्स और फिर चाहें तो सारे को पैरथीसिस के अंदर इंक्लूड इंक्लोज कर लें इसका फ़ायदा यह होगा कि अब ये छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाया हुआ है इसमें अगर देखें तो जहाँ पे जाके हम कहते हैं सर्कल एरिया रेडियस और रेडियस कोई वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू है तो रेडियस जो है वो ऑटोमेटिकली सर्कल एरिया जो है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा विद पाए स्टार रेडियस स्टार रेडियस विद ऑल द पैरथीसीज इंक्लूडेड And the answer of of course is the correct computation of the area of a circle. On the other hand, if we were to do something like kegi isse agar dugna badaho circle radius is double ho, to uska area hoga Now because we have used parentheses in the definition of the macro, we can easily write circle area two star radius and it will work. क्योंकि यह मल्टीप्लीकेशन है वो ऑर्डिनरी एक्स विदाउटिसकेशन जो है वो तो एक्सपेंड हो जाती है लेकिन अगर कहीं पे कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाती तो पैरथिस के बगैर ये डेफिनेशन फेल कर जाती सो वॉट वी वॉन्ट टू डू इज ऑलवेज बी रिलीजियस अबाउट दूस ऑफ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं वो तरह से कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन आगे चल के होपफुली वैन यू बिकम प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स इन यू राइटिंग योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल लर्न मोर अबाउट दैम और यूज़ देम प्रॉपरली फॉर द मोमेंट ये मैं कहता चलूँ कि आपको पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक नहीं है दुनिया में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं विंडोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पहले डॉस था कई मशीनें जो हैं पी वो डॉस पे अभी तक चल रहे हैं फिर मैकेंटॉश है एप्पल वालों का कंप्यूटर उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस अब वो लाइनक्स के ऊपर चला गया विच इज़ लाइक अ वेरियंट ऑफ यूनिक्स फिर यूनिक्स की अपनी पूरी वैरायटी है यूनिक्स भी है लाइनक्स भी है सन वालों का सोलारिस भी है फिर मेन फ्रेम वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है द मेजॉरिटी ऑफ दिज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आई एम नॉट ऑल बट द मेजोरिटी हैज सम काइंड ऑफ अ सी कंपाइलर अवेलेबल फॉर इट बिकॉज सी इज अ वेरी एलिगेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है फ़र्क क्या आता है कि कहीं पे कोई कांस्टेंट जो है वो थोड़ी जगह लेता है कहीं पे ज़्यादा जगह लेता है कहीं पे वैल्यूज़ उल्टा के लिखी जाती हैं कई दफ़ा सीधी लिखी जाती हैं कहीं पे इंटेजर फोर बाइट्स लेता है कहीं पे एट बाइट्स लेता है एंड सो ऑन बाइन लाज वो सोर्स कोड जो हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर लिखते हैं वो चेंज नहीं होता फ्राम मशीन टू मशीन जो चीज़ चेंज होती है वो यही हैडर फाइल्स हैं

इनकी ये लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स के नाम जो हैं ये भी स्टैंडर्ड बनते रहे हैं सो so, मैंने देखा है आप में से कई जो हैं हमें मेल भेजते हैं कि जी वो कोई और कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो so, आपने देखा कि उन कंपाइलर्स में भी हेडर फाइल्स यही हैं आई ओ है या कॉन आई है या स्टैंडर्ड लिप है सेम अप्लाइज टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज यू चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम इन यू कम अपल वर्जन ऑफ द सी और सी कंपाइलर फाइलों के नाम यही रहते हैं सो इफ यू वो टेक योर कोड एंड पोर्टेड टू द अदर मशीन नॉर्मली आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली उस मशीन एनवायरमेंट की इंक्लूड फाइल जो है जो हैडर फाइल है वो इंक्लूड कर लेगा एंड द प्रोग्राम विल कंपाइल एंड इन नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द केसेज रन विदाउट एनी एर हाँ एक फीसद वो है जहाँ पे कोई बिहेवियरियल चेंज आ जाती है एक बिहेवरियल चेंज मैंने मैंशन भी की थी कि जी गेट सी एच ई जो है वो कई दफ़ा सिर्फ की स्ट्रोक के ऊपर एक कैरेक्टर पढ़ लेता है और कई दफ़ा की स्ट्रोक और फिर एंटर भी दबाना पड़ता है फिर जाके वो कैरेक्टर पढ़ता है दैट्स बिहेवियर चेंज डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग नन यूजिंग दीज हेडर फाइल्स लीड्स टू अ लॉट ऑफ पोर्टेबिलिटी सो यू कैन यूज द सिस्टम एंड नॉट कैरी दैम विद योर विद यू वैन यू चेंज प्रोग्राम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनादर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द अदर हैंड जो आपकी अपनी बनाई हुई हैड फाइल थी वो भी पोर्टेबिलिटी में हमको हमें असिस्ट करती है इन द सेंस डैट कि उस हेडर फाइल के अंदर आपने अपने जितने भी खुद फंक्शंस लिखे थे उनके प्रोटोटाइप्स डाल दिए हैं जितनी डेफिनेशंस थी जो आपका प्रोग्राम इस्तेमाल करता है उनको शार्प डिफाइन्स के साथ आपने डाल दिया है कोई मैक्रोज लिखे हैं वो उसमें डाल दिए हैं बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है एंड यूजली वॉट हैपन्ट एज वी इवाल्व एज प्रोग्रामर्स वी स्टार्ट क्रिएटिंग अ फ्यू स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स फॉर आर सेल्स बिकॉज ऑफ द स्टाइल इन विच वी वर्क हमारे स्टाइल में हम चाहते हैं कि जी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे ये कुछ कॉमन फंक्शन है जो बना लिए हैं हमने तो ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शन बन गए हैं ये सारी चीज़ें हम माई हेडर डॉट एच या जो भी नाम आप अपने लिए क्रिएट करें उसके अंदर हम डाल देते हैं अब जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन चेंज कर रहे हैं तो ये हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम्स के साथ चली जाती है या आपने किसी और प्रोग्राम मशीन के ऊपर बैठ के काम ही करना है तो आप अपनी हेडर फाइल ले आएंगे भी मैंने तो अपना सारा ये काम किया हुआ है नया प्रोग्राम जो लिखना है उसमें ये इंक्लूड कर लो सो इट इज़ क्वाइट यूजफुल टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर वर्क इन टर्म्स ऑफ दीज हेडर फाइल्स नाउ लेस यूजफुल बट मोर ट्रिकी थोड़े से आपको एग्जाम्पल देता चलूँ मज़े का एग्जाम्पल देखिए मैंने मेंशन किया कि शार्प डिफाइन एक ऐसी जादू की चीज़ है कि उसके बाद जो भी सिंबॉलिक नेम लिखा जाएगा एंड देन इट्स डेफिनेशन दैट डेफिनेशन विल रिप्लेस वेर एवर द नेम इज यूज इन योर कोड अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं हेज अ चैलेंज फॉर यू शार्प डिफाइन के साथ आप अपनी कोई वोकेबुलरी डिफाइन करें जिसके अंदर आगे कोड लिखा हो सी का कोड रिमेंबर इट्स ऑर्डनरी सब्सटीट्यूशन एवरी थिंग यू राइट आफ्टर द शार्प डिफाइन सिंपल नेम स्पेस दे के आगे जो चीज लिखेंगे वो एज इज रिप्लेस हो जाएगी चैलेंज मैं इस वास्ते दे रहा हूं कि मैंने देखा हुआ है एक जगह पे कि जी एक हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है और नीचे एक नजम लिखी हुई है इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी पोएम बट एवरी वर्ड इन द पोएम इज एक्चुअली डिफाइंड इन देडर फाइल विदार्प डि ट्रांसलेट इन टू सी कोड सो बाई राइटिंग अ पोएम विच रीड्स एज एन इंग्लिश पोएम वो एक्चुअली सी का प्रोग्राम है now that is carrying things a little bit too far but you notice that when we do a sharp define and start using header files you can do some very interesting things next time we shall be talking about memory allocation which is where i hope aapko pointers ki power you have wo nazar lag padegi. Us ke liye ijazat dije. khuda hafiz